स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से समझना चाहिए एआई को? दैट्स अ बिग क्वेश्चन, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, एम आई राइट? सो समझे एआई क्या है बेसिकली, व्हाट इज एआई? अब आप लोग स्कूल जाते हो, पढ़ते हो, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन के बारे में पता नहीं है, एक ही तरह के सब्जेक्ट सब चूज करते हो लेकिन एआई के बारे में पता नहीं है, साइबर वर्ल्ड के बारे में पता नहीं है, आईसीटी के बारे में पता नहीं है, ठीक है? और नए नए ऑफ जो सेक्टर्स हैं उनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, उनके लिए अप्लाई नहीं करते हो. व्हाई? बिकॉज द रीजन इज कि आपको नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में. सो टू गेन नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है, जानना चाहिए. तो अगर आप अपने एंड से, अपने लिए, अपने बेस पे एआई को समझोगे तो कैसे समझोगे? देन यू आर नॉट अ बिगिनर, यू आर नॉट अ बिग एंटरप्रेन्योर, नॉर यू आर अ बिग नेटवर्कर, यू आर जस्ट अ स्टूडेंट. तो एज ए स्टूडेंट आप एआई को कैसे समझोगे? व्हाट इज एआई फॉर यू? क्या समझोगे एआई क्या है? बहुत सारे लोगों को पता नहीं है अभी एआई क्या है. इवन जिनको पता है एआई क्या है वो उसको यूज करते हैं. एआई को जो यूज करते भी है ना वो पूरा समझे भी नहीं है एआई को. वो तो एआई का कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, एआई बेस्ड सम एप्लीकेशन. इवन अगर वो एआई को अच्छी तरह से समझे, मुझे लगता है वो बहुत कुछ कर सकते हैं. दैट थिंग इज एआई. सो एआई रेफर्स टू व्हाट? एआई क्या होती है? व्हाट डज इट रेफर एक्चुअली? व्हाट डज इट रेफर टू? फुल फॉर्म क्या है एआई की? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल मीन्स मसनवी, जो इंसान बनाता है, ठीक है? इंसान की इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस पहले से बहुत खतरनाक चीज है माइंड में, जिसको साइंटिस्ट भी अभी साइकोलॉजी से कंट्रोवर्शियल थ्योरीज देते हैं. किसी की थ्योरी किसी के साथ मिलती नहीं है. वो चीज है इंटेलिजेंस. और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये चीज आर्टिफिशियलाइज कर दिया गया है. सो इसका ये मतलब कि दिमाग बाहर आ गया. दिमाग आया तो जब दिमाग बाहर आ गया तो सावधानी की जरूरत है. सावधानी इन टर्म्स लाइक कुछ भी हो सकता है. थिंग इज कुछ भी हो सकता है. कुछ भी मतलब बहुत कुछ हो सकता है, नॉट एवरीथिंग इवन, बट बहुत कुछ हो सकता है. सो दैट इज द थिंग, दैट इज द एक्चुअल सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स जब जो चीज दिमाग काम करता है वो अब आर्टिफिशियल एआई करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा, ठीक है? नाउ द थिंग इज कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके अब कुछ चीजें जानने जरूरी है, मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों. मुझे लगता है कि जो इसका नेगेटिव यूज करेंगे ना, मतलब वो भी बहुत खतरनाक चीज होगा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज इट कैन बी अ वेरी बैड टूल फॉर बैड पीपल. गलत लोगों के लिए बहुत गलत चीज, एक गलत सामान बन सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. लेकिन हमने उस एंगल में नहीं जाना है, उस साइड की तरफ हमने नहीं जाना है. हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानना है और इसके रिलेटेड जो भी कोर्सेज, जो भी सब्जेक्ट्स, उनको जानने हैं हमने. और देखना है कि वर्ल्ड कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है वर्ल्ड, ठीक है? और आने वाले टाइम में किन चीज़ों का यहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा, कौन सी चीज़ें मार्केट में चलेंगे, कौन सी चीज़ें दुनिया में चलेंगे, कौन सी चीज़ें इंडस्ट्रीज में चलेंगे, तो उन चीजों के रिलेटेड आपको नॉलेज गेन करनी है, ठीक है? दिस थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज रिलेटेड टू योर करियर काउंसलिंग, ठीक है? करियर काउंसलिंग के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. तो आई थिंक आई विल रेकमेंड टू यू, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को रेकमेंड करूंगा दैट यू गो थ्रू द टेक्स्ट. अब आप आधे घंटे का, एक घंटे का वीडियो देखोगे तो तीन पॉइंट्स कलेक्ट करोगे, चार पॉइंट्स. गो थ्रू द विकिपीडिया, गो थ्रू इंटरनेट, गो थ्रू गूगल, गो थ्रू बिग रिसर्च पेपर्स. Do thorough study and do proper study. Achhi study karo and learn the things well in less time. Be smart. Samjhai baat? Smart bano, achhe se study karo, cheezon ke bare mein knowledge gain karo and go ahead. Dunya bahut badi hai. It can make you way out. Samjhai baat? And in coming time, it must be your important topic as well for your presentations. And you will collect proper knowledge. Next time हम इसके बारे में details में बात करेंगे, artificial intelligence के और क्या क्या पहलू हैं, how it is related to careers, how it is related to the business, how it is related to the other things. तो इस चीज़ में हम इन चीज़ों के बारे में हम discuss भी करेंगे और जानेंगे भी, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा improve करोगे और इस चीज़ में आप अपना career भी build up कर सकते हो. You can grow up yourself up. All right, any questions? Koi sawal hai aapko? Thank you very much.